मनरेगा के तहत यहाँ पे ग्राम प्रधान ने कुछ कार्य कराए थे, लेकिन उनकी शिकायत है कि किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। उनसे हम आपको मिलवाना चाहते हैं। सर, आपका नाम? अनुज अत्री। तो आपकी ग्राम वासियों की क्या शिकायत है? शिकायत ये है जो मनरेगा के जो मजदूर है जिन्होंने काम किया, उनके आधे को तो पैसे पहुंचे, आधे लोगों के नहीं पहुंचे हैं जी। ठीक है जी। और जो रास्ते दिखाए गए हैं जिन पे मिट्टी कभी न डली, उनकी दो दो बार दिखाए गए हैं कि इन पे दो दो बार जो है मिट्टी डली है। और शमशान का जो एक रास्ता दिखाया है कि वहाँ से वहाँ रास्ता बना दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आप ये रास्ता देख सकते हैं, सामने का देख सकते हैं, आप वहाँ पे चलिए जो चौधरी साहब के घर से और बूंद तक है, उस पर लिखी हुई है कि हम मिट्टी डलवाई, जो कि एक इंच भी एक फावड़ा भी कभी नहीं लगा है। एक सीमेंट का कट्टा, किसी को 100 ईंट, ये सब कुछ दे दिया और इसका कुछ नहीं है। जो मतलब गरीब लोगों का इसमें इस 5 साल के कार्यकाल में विशेष हनन हुआ, विशेष शोषण हुआ, विशेष। तो विजय चौधरी, तो आपकी क्या शिकायत थी? हमारी शिकायत तो बहुत सारी है, कोई सुनने वाला नहीं है। कम से कम 50,000 रुपये का पेट्रोल फूंक चुके हैं अधिकारी, ये कह देते हैं कोई काम नहीं है, अपने घर चलो। कितनी बार शिकायत कर चुके, एक शिकायत में प्रधान दोषी साबित हो गया, 2 साल बाद उसका सत्यापन कराया है और अब सत्यापन हुए 2 महीने हो गए, अभी तक कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली है उसकी। मनरेगा का आपके सामने है, कोई वर्क हुआ नहीं है। अगर 10% वर्क हुआ है मुश्किल से, और वो JCB से हुआ है जी। और सबसे ज़्यादा पैसा निकला है इस ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत, और काम सबसे कम हुआ है। अगर कोई कहने वाला है कि काम हुआ है तो वो यहाँ आके बताए। फर्जी मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो वाकई में मजदूर हैं उन्हें रोजगार नहीं मिला, और फर्जी मजदूरों को एक एक के खाते में 72,000 रुपये आए अपने। मेरी जांच, कोई जाल नहीं, कोई लाइट नहीं गांव में, कोई कूड़ादान नहीं, कोई बैठने के लिए सीट नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और इतने पर प्रधान ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा विकास कार्य किए हैं, और छाती में हाथ मार के उनके सपोर्टर ये कहते हैं कि कोई कुछ भी करा जाए तो हमारा चैलेंज है, हम हाथ कटवा देंगे, पैर कटवा देंगे। तो आपने मनरेगा के तहत कार्य किया था, आपको पूरा पैसा मिला नहीं मिला? कम मिले हैं पैसे। कितने मिले हैं? आपने कितने का कार्य किया था? 13 दिन काम किया था, 2,000 रुपये। 13 दिन कार्य कर किया था और 2,000 रुपये मिले हैं। यानी एक दिन का आपका कार्य जो वेतन होता कितना होता है? 200 रुपये। यानी 2600 होने थे, आपको 2000 मिले हैं। बाकी पैसे के लिए कब के लिए बोला गया है? अभी आए नहीं खाते में। ईख खुदवाइयों का अपने पर्सनल काम करवाए जी। JCB से काम होता है, जबकि हमें महीने साल में 100 दिन काम चाहिए, और मैंने 18 दिन काम किया है इसमें। हमको 7 दिना 8 दिना के पैसे मिले, 7 दिना के बाकी, और 10 दिना के पैसे हमारे जो सड़क पर मट्टी पली थी, जो पक्की सड़क बनी थी, उसके पैसे 10 दिना के हमारे रह चुके हैं।